हेलो एवरीवन, लेग पुश पुल सीरीज का यह आखिरी वीडियो है जिसमें आज हम लोग पुल वर्कआउट को ट्रेन करने जा रहे हैं, पुल वर्कआउट को जानने वाले हैं। लेग और पुश वर्कआउट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रहा है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो अब आते हैं आज के पुल वर्कआउट पे। देखो, पुल वर्कआउट में मेजरली हम लोग चार मसल को ट्रेन करने वाले हैं। सबसे बड़ा जो हमारा बैक है, उसके बाद हमारा बाइसेप्स, उसके बाद हमारा ट्रैप्स और फिर रियर डेल्ट। हमेशा की तरह वर्कआउट से पहले एक अच्छा वार्म अप करेंगे जिसमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग इंक्लूडेड रहेगा। साथ ही हर एक ज्वाइंट पे फोकस करेंगे जिससे उस मसल पार्ट में अच्छी तरह से ब्लड फ्लो हो जाएगा, जिसके कारण हम एक अच्छा वर्कआउट सेशन के लिए अपने बॉडी को रेडी कर पाएंगे। अब आते हैं बैक का पहला एक्सरसाइज जो कि है वन आर्म डंबल रो। वन आर्म डंबल रो एक्सरसाइज को सबसे पहले रखने का मेरा मोटिव यह है कि हमारा लैट अच्छे तरह से ट्रेन हो जाए और साथ ही साथ बैक एक कंपाउंड मूवमेंट के लिए अच्छे से रेडी हो जाए। इस एक्सरसाइज को आप फ्लैट या फिर इंक्लाइन दोनों बेंच पे आप लगा सकते हो। आज हम इसको इंक्लाइन बेंच पे लगाएंगे। इसके लिए बेंच को पहले फिक्स करेंगे, इसमें एक आर्म से अपने डंबल को होल्ड करेंगे और दूसरे आर्म से सपोर्ट लेंगे। चेस्ट और हिप हमारा आउट रहेगा और स्पाइन न्यूट्रल, और उसके बाद डंबल को होल्ड करके अपने लैट मसल को स्क्वीज करते हुए ऊपर की तरफ पुल करेंगे और अपने चेस्ट के पैरेलल अपने हिप्स के पास लाएंगे। बस ध्यान रखेंगे कि आपका आर्म्स इस एक्सरसाइज में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। ये एक्सरसाइज मेनली हमारे लैट्स को फोकस करता है और साथ ही साथ हमारे लोअर बैक, अपर बैक और बाइसेप्स को भी ट्रेन करता है। इस एक्सरसाइज का हम 3 सेट लगाएंगे 10 से 15 रेप्स रेंज के बीच में। अब आते हैं आज के बैक का दूसरा एक्सरसाइज पे जो कि है लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन के बिना बैक का एक्सरसाइज अधूरा सा लगता है, पता है क्यों? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अच्छा, लोग इस एक्सरसाइज में गलती क्या करते हैं? वो करते हैं कि हैंडल को ज्यादा वाइड पकड़ते हैं। वो सोचते क्या है कि जितना वाइड हम इस हैंडल को पकड़ेंगे उतना ज्यादा हमारा लैट मसल एक्सक्यूज होगा और उतना ज्यादा हमारा लैट मसल ट्रेन होगा। ये एक बिल्कुल गलत अप्रोच है। अगर आप ज्यादा वाइड हैंडल को पकड़ोगे तो आपका लैट या फिर बैक मसल ट्रेन होना तो दूर की बात है, आपका शोल्डर में इंजरी होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस एक्सरसाइज को लगाने का सही तरीका है शोल्डर से बाहर यानी शोल्डर से थोड़ा वाइड बार को पकड़ेंगे और अपने चेस्ट की तरफ पुल करेंगे। ध्यान देंगे कि हमारा बैक स्ट्रेट रहेगा और हम पीछे की तरफ झुके ना, फिर स्लोली बार को धीरे धीरे रिलीज करेंगे सर के ऊपर। यह एक्सरसाइज हमारा लोअर और मिडिल बैक के साथ हमारे चेस्ट और बाइसेप्स को भी ट्रेन करता है। इस एक्सरसाइज के हम 4 सेट लगाएंगे 8 से 12 रेप्स के बीच में। अब आते हैं बैक की आखिरी एक्सरसाइज पे जो कि है डंबल पुल ओवर। देखो, डंबल पुल ओवर बहुत ही अंडररेटेड एक्सरसाइज है। आजकल के मॉडर्न जिम में आप किसी को नहीं देखोगे कि डंबल पुल ओवर लगा रहा है। यह ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज है। एर्नोल्ड इस एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं कि डंबल पुल ओवर हमारे अपर बैक के लिए डेडलिफ्ट का काम करता है। यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बस आप फॉर्म पे ध्यान रखो। इस एक्सरसाइज में करना क्या है, अपने मिड बैक को बेंच पे रखेंगे और धीरे धीरे नीचे स्लाइड करेंगे और अपने शोल्डर से बस बेंच पे सपोर्ट लेकर पूरे बॉडी को फ्री छोड़ देंगे। उसके बाद डायमंड ग्रिप में डंबल को होल्ड करेंगे और एल्बो थोड़ा सा बाहर रहेगा। इसका रेंज ऑफ मोशन चेस्ट से शुरू होगा और हेड के पीछे खत्म होगा। अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं लगाओगे तो लैट के जगह यह आपके चेस्ट को ट्रेन करेगा। यह मेजरली आपके लैट मसल को ट्रेन करेगा और साथ ही साथ आपके आर्म्स को भी। आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को केबल पे भी रोप या रॉड से लगा सकते हो, जिसका बेनिफिट यह है कि थ्रू आउट द एक्सरसाइज आपके बैक पे टेंशन यूनिफॉर्म होगा। इस एक्सरसाइज का हम 4 सेट लगाने वाले हैं 8 से 12 रेप्स के बीच। बैक का एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हुआ। अब आते हैं अपने बाइसेप्स पे। बाइसेप्स का पहला एक्सरसाइज है डंबल हैमर कर्ल। इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए हम 2 डंबल को स्टैंडिंग पोजीशन में होल्ड करेंगे, स्पाइन न्यूट्रल, चेस्ट आउट और हमारा एल्बो हिप से थोड़ा आगे होगा। अब आपका पूरा बॉडी लॉक। अब डंबल को अल्टरनेट ऊपर की तरफ पुल करेंगे, बस ध्यान देंगे कि हमारा एल्बो और शोल्डर मूव ना हो। नीचे लाते समय ट्राइसेप्स को फ्लेक्स करेंगे और पूरा एक्सरसाइज में हमारा एल्बो थोड़ा सा बेंड रहेगा जिससे बाइसेप्स पूरी तरह से इंगेज रहे। इस एक्सरसाइज का हम 3 सेट लगाएंगे 10 से 15 रेप्स रेंज के बीच में। अब बाइसेप्स मसल को थोड़ा सा रेस्ट देंगे और अब आते हैं रियर डेल्ट पे। रियर डेल्ट का एक एक्सरसाइज लगाने के बाद फिर से हम बाइसेप्स का एक एक्सरसाइज लगाएंगे। तो रियर डेल्ट को ट्रेन करने के लिए हम लोग रियर डेल्ट मशीन लगाएंगे। आप इस एक्सरसाइज में मशीन को खड़े होकर भी लगा सकते हो और उसके सीट पे बैठ के भी। इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए सबसे पहले सीट को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें उस समय बात ठीक हमारे रियर डेल्ट के पास आए। अब बैठने समय यह ध्यान रखेंगे कि अपने बैक में एक आर्क बना ले और हिप आउट। अब बार को होल्ड करेंगे और अपने बैक के तरफ पुल करेंगे और अपने बैक के पैरेलल में लाकर होल्ड और फिर से स्टार्टिंग पोजीशन तक ले जाएंगे। इस एक्सरसाइज का हम 4 सेट लगाएंगे जो 10 से 15 रेप्स के बीच में रहेगा। अब आते हैं फिर से बाइसेप्स पे। बाइसेप्स का आखिरी एक्सरसाइज है वन आर्म पिचर कर्ल। देखो, पिचर कर्ल का सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या है कि हमारा पूरा बॉडी लॉक हो जाता है और सिर्फ हम अपने बाइसेप्स पे फोकस कर पाते हैं जिससे हमारा बाइसेप्स अच्छी तरह से ट्रेन हो पाता है। इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए हम इंक्लाइन बेंच
या फिर पीचर कर्ल मशीन को यूज करेंगे। अब डंबल को होल्ड करके बेंच पे रखेंगे शोल्डर लेंथ तक। अब स्लोली आर्म्स को पूरा खोलेंगे जहां तक पूरा स्ट्रेच ना हो। अब फिर से डंबल को अपने शोल्डर की तरफ पुल करेंगे जहां तक पूरा कॉन्टेक्ट ना हो जाए, और सेम फॉर्म दूसरे आर्म्स के साथ करेंगे। यह एक्सरसाइज हमारे बाइसेप पीक को डेवलप करने में हेल्प करता है। इस एक्सरसाइज का हम 3 सेट लगाने जा रहे हैं 10 से 15 रेप रेंज के बीच में। अब आते हैं आज का आखिरी एक्सरसाइज जो कि है सुपर सेट केबल सरक्स का। केबल सरक्स में पहले हम बैक सरक्स लगाएंगे, उसके बाद फ्रंट सरक्स। दोनों में रेप रेंज 6 से 10 के बीच में रखेंगे और वेट हेवी लगाएंगे। ये दोनों सुपर सेट हमारा लोअर और अपर ट्रैप्स को ट्रेन करता है। इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए सबसे पहले केबल पे हेवी वेट लोड करेंगे, उसके बाद बार को होल्ड करेंगे, फिर ऊपर की तरफ बार को पुल करेंगे और फिर होल्ड 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर नीचे रिलैक्स। इसी तरह से इस एक्सरसाइज का 4 सेट लगाएंगे 6 से 10 रेप रेंज के बीच में। तो यहीं पे यह एक्सरसाइज खत्म हुआ और साथ ही साथ हमारा लेग पुश पुल सीरीज भी। अगर लेग पुश पुल सीरीज या फिर फिटनेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक फिटनेस क्वेरीज को आंसर करूं और आपको एक अच्छा सॉल्यूशन दूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग के सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक कीप ग्रिंडिंग, कीप ग्रोइंग, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।